हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में करने वाला हूँ रियलमी 8 के नए मई अपडेट C.8 का फुल रिव्यू। तो सबसे पहले तो यार सॉरी आपको मैं कुछ इस तरीके से वीडियो दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं गांव पर हूँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी अगर बैकग्राउंड से नॉइज है तो इग्नोर कर देना प्लीज़। तो चलिए फटाफट से जो है मैं आपको वर्जन चेकआउट करा दूँ तो देखेंगे जो वर्जन है वो है C.08 और जो अपडेट का साइज है वो लगभग है 166 MB तक। तो अगर अपडेट लॉग की बात कर जाए तो देखेंगे जो अपडेट लॉग के अंदर हमारा सिक्योरिटी पेज हमको देखने को मिल जाएगा मे का, और साथ में देखेंगे हमारी जो स्टेबिलिटी और जो परफॉर्मेंस उसको इम्प्रूव करा गया है पिछले अपडेट से। और अगर आप बात करूँ फीचर्स की क्या फीचर्स इस अपडेट के अंदर ऐड करा गया, तो देखेंगे सबसे पहले जो हमको देखने को मिल जाएगा स्क्रीन कास्ट। तो देखेंगे फाइनली जो हमारे रियलमी 8 के नाम को इस अपडेट के अंदर सपोर्ट देखने को मिल गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं रिव्यू को। सबसे पहले अगर बात करें फिंगरप्रिंट स्कैनर की तो देखेंगे यहाँ पर जो अनलॉक टाइमिंग हमको सेम देखने को मिल जाती है और जो फेस अनलॉक वो भी हमारा सेम रहता है। बट यहाँ पर एक चीज़ है रियलमी ने जो यहाँ पर एक चीज़ फिक्स नहीं करी वो है पावर बटन डिले। देखेंगे अभी भी जो इस अपडेट के अंदर हमको पावर बटन डिले देखने को मिल जाएगा। और बाकी अगर आप बात करें यूआई परफॉर्मेंस की तो हाँ यहाँ पर जो यूआई है बहुत ज़्यादा आपको स्मूथ देखने को मिलेगा अपडेट के बाद में। यहाँ पर जो आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, एकदम जो हमारा यूआई स्मूथ रहता है। अब बात कर लेते हैं कैमरे की तो यहाँ पर जो है आपको यूआई के अंदर तो कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा और क्वालिटी के अंदर भी आपको यहाँ पर जो है कोई चेंज नहीं है। बट यहाँ पर हाँ जो हमारा हैंग था जब भी हम वीडियो से फोटो पे शिफ्ट करते थे और पोर्ट्रेट में, तो देखेंगे जो हैंग है ना काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कम कर दिया और काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर दिया इसको एनिमेशन को। तो हाँ काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें वो फास्ट होने लगी है। तो हाँ कैमरे के अंदर जो हमारे यहाँ पर जो है चीज़ें जो है फिक्स करी गई है जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अब अगर बात कर जाए रैम मैनेजमेंट की तो यहाँ पर जो है मेरे को रैम मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। देखेंगे मेरा जो 4 GB रैम वेरियंट है लगभग 1.5 GB तक फ्री रहता है और अच्छे खासा वर्क कर लेता है, यहाँ पर हमको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगी। और जहाँ तक बात रही बैटरी ड्रेन की तो यहाँ पर हाँ इस अपडेट में जो है ज़्यादा तो बैटरी ड्रेन इशू देखने को नहीं मिला एज इट इज़ पिछले अपडेट के जैसी है। और अगर मैं बात करूँ चार्जिंग स्पीड की तो यहाँ पर हाँ चार्जिंग स्पीड में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सेम एज इट इज़ पिछले अपडेट के जैसी है। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर हम सबसे पहले एंटूटू स्कोर जो है इसका चेक कर लेते हैं। तो अपडेट के बाद में जो है मैंने टेस्ट कर लिया है और अगर आप स्कोर देखा जाए तो देखेंगे 343 के करीब चल जाते हैं जो कि स्कोर जो है पिछले अपडेट से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो भी जो हमारे इंक्रीज देखने को मिली और यहाँ पर आप देख सकते हो CPU GPU का भी स्कोर काफ़ी अच्छा निकल कर आया है और 4 GB रैम वेरिएंट के हिसाब से यार बहुत अच्छा स्कोर है इस अपडेट में देखने को मिल रहा है, परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छी इस अपडेट के अंदर। अब बात कर लेते हैं गेमिंग की, गेमिंग के लिए हम कंसीडर करेंगे BGMI को। और अगर मैं बात करूँ ग्राफिक्स की अपडेट करने के बाद हमको क्या देखने को मिलती है तो देखेंगे स्मूथ प्लस अल्ट्रा सेम ग्राफिक जो हमारे देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस की तो अपडेट के बाद में जो मेरे को इतना ज़्यादा लैग फेस करना नहीं पड़ा है। तो हाँ 35 to 40 जो है हमारे अच्छे से खासे FPS देखने को मिल जाते हैं। तो हाँ यहाँ पर जो FPS है हमको काफ़ी अच्छे स्टेबल देखने को मिल जाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज कर गई है रियलमी की तरफ से इस अपडेट के अंदर। तो हाँ यहाँ पर जो BGMI के अंदर भी आपको जो है कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो अब बात कर लेते हैं आपको अपडेट करने के बाद में क्या क्या बग्स फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो पावर बटन डिले जैसे कि मैंने पिछले अपडेट में बताया था और इस अपडेट में भी जो इसको फिक्स नहीं करा गया है। दूसरा बग आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन फ्लिकरिंग इशू, तो यहाँ पर जो अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। देखेंगे मैंने जो है ब्राइटनेस एकदम कम कर दी, सॉरी आपको देख नहीं पाएगा, बट यहाँ पर जो स्क्रीन है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लिकर हो रही है। बाकी ये दोनों बग्स के अलावा आपको जो है कोई भी बग देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो अपडेट है वो काफ़ी बढ़िया है। आप बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि आपको ये अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हाँ मेरे तरफ से जो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस अपडेट को कर लीजिए, ये अपडेट से आपको जो ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। सो हाँ आज की वीडियो बस इतना था, वीडियो को एक लाइक कर देना, सॉरी यार आपको इस तरीके से वीडियो देना पड़ रहा है। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Soul out.